शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। याद कर, ये लोग तेरे पापा को गोली मारकर भाग गए थे। हम वादा करते हैं, अर्थी के बदले अर्थी उठेगी इन ठाकुरों की हवेली से। हमारे रास्ते में जो भी आएगा ना, निपटा देंगे उसे, भले चाहे शरणी की जगह बंटी हो या ठाकुर भानु प्रताप। आप जो चाहती थी ना, वही होगा हमारी मौत। लेकिन इसके लिए आपको भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। आपका सच बंटी और ताऊ जी के सामने आएगा। मंजूर है? मंजूर है। दर्द हमें खाया जा रहा है, वो दर्द हम किसी और को कैसे दे सकते? इस लड़की ने तुझे कमजोर कर दिया है शिबू। आज तुझसे गोली नहीं चली, तू सब कुछ भूल गया, सब कुछ। लेकिन हम नहीं भूलेंगे। अगर तेरे हाथ कांपेंगे तो हम किसी और से ये करवाएंगे, पर अर्थी के बदले अर्थी उठ के रहेगी। कोई जरूरत नहीं है, कहाँ रह गया सारी रात से? पूरी रात गायब है, हमको इस जरा के लिए छुटके चला गया। आने दो, इसको तो हम आने के बाद बताएंगे, पर ठीक तो होगा ना? कहाँ रह गया? अब आ रहे हो? कहाँ रह गए थे सारी रात? ये भी भूल गए तुम? ये एक नई नवेली दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ, और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? ठाकुर हवेली के एक लौटे लड़के हो तुम, अभी तो आउटफिट स्टाइल चेंज करो। रुको, हम ही तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं अच्छा सा, ठीक है? एक सेकंड। उनको पता है
हमने तुम्हारे कबर्ड में अपने भी सारे कपड़े जमा दिए। और तुम, ये हमारा फेवरेट कलर है, ये देखो ये रंग हमें बहुत पसंद है, तुम पे तो बहुत जचेगा। हाय क्या बढ़िया लग रहे हो, यही पहनो। क्या हुआ, शर्मा रहे हो? शर्मा कह रहे हो? अरे शादी की है हमने, बीवी है तुम्हारी, टंके की चोट पे शादी की थी हमने, भूल गए क्या? अब इसे क्या बताएं क्यों शादी की थी? क्या हुआ, शर्माना तो हमें चाहिए ना, बीवी हम है तुम्हारी। अरे पट्टी नहीं, ये कलर अच्छा नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है, ये पहनो ना। हटो, हमें बहुत काम है। तुम सा इसे क्या हुआ? ये कौन है? बाय लागू अम्मा। जीते रहो जीते रहो, आप तुम जाओ, जरूरत होगी ना तो हम बुलाएंगे। ठीक है अम्मा। इसे कुछ बताया तो नहीं ना? काम के पैसे तो हम ले लेंगे और भी नगद, इसको उड़ाना है। यहाँ मत खोलो, बस तुम जाओ जल्दी यहाँ से। कब कहाँ हम बाद में बताते, काम हो जाएगा। हाँ हमारे बेटे की जान के बदले इस हवेली से एक अर्थी जरूर निकलेगी। किसकी फोटो होगी? दुल्हन के बाप ने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, हम भी इस घर से उसका मुखिया छीन लेंगे। ठाकुर भानु प्रताप, बेसहारा कर देंगे सबको, दर दर की ठोकरे खाएंगे ये लोग हमारी तरफ। हे भगवान जी। मरने वाले का चेहरा तो देख लें। अरे बहनजी आप ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं? नहीं सॉरी। जान दे देंगे ताऊ जी, लेकिन
आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। करोगी तो कैसे चलेगा, ठीक कैसे होगी तुम? ठीक होकर क्या करे भैया, जिसके लिए जी रहे थे वो तो देखो हम लोग हैं ना, एक काम करिए आप हमें आश्रम छोड़ दीजिए, अब हम अपना बचा कुचा वक्त लोगों की सेवा में गुजार देना चाहते हैं। नेत्रा ये कैसी बात कर रहे तुम, आश्रम हम लोग कुछ नहीं तुम्हारे, हम केशव को काम मुंह दिखाएंगे। हम क्या करें आप ही बताइए, हमारी किसी को जरूरत नहीं है यहाँ, आप हमें आश्रम में छोड़ दीजिए, हम ऐसे नहीं जी सकते यहाँ पर, घुट घुट कर मर जाएंगे हम, मर जाएंगे भैया। शांत हो जाओ, बैठो तुम, बैठो आराम से बैठो नेत्रा, बैठो बैठो बैठो, तो पानी पियो, पानी पियो। हम तुम्हें छोड़ के आएंगे, हम छोड़ के आएंगे तुम्हें आश्रम, बस लेकिन बस एक बार श्रवणी से मिल लेना। क्या करें उससे मिलकर, उसने मुड़कर हमें एक बार भी नहीं देखा कि किस हाल में है अब। वो श्रवणी अब हमारी नहीं रही, नहीं मिलेंगे अब उससे, हमें नहीं मिलेंगे। हम अपनी पुरानी श्रवणी जो हमारी बेटी थी उसी के यादों के सहारे चले जाएंगे। माँ हमारी वजह से घर छोड़कर जा रही है, अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, हमें माफ करिएगा मां। माँ की साड़ी, माँ आपके साथ की आज बहुत जरूरत है माँ, बहुत जरूरत है। इसलिए हम आपकी ये साड़ी ले आए, यही सोचेंगे कि आप हमारे साथ हैं। सुबह सुबह बिना खाए पिए फिर बाहर चली गई ना तुम, हाँ
अच्छा है माँ, अच्छा है जो आप इन सब कलेश से परेशानियों से दूर जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं दूर। पता नहीं फिर कभी आपको मिल सकेंगे कि नहीं, बस भगवान से इतना मांगेंगे कि हम अगले जन्म आप ही की कोख से जन्म ले। एक अच्छी बेटी तो नहीं बन पाए पर अगले जन्म जरूर बनेंगे माँ, जरूर बनेंगे। शिवांश के बदले की बलि हम खुद चढ़ेंगे, ताऊ जी पे आज भी नहीं आने देंगे और ना ही किसी और पर। ताई जी भी खुश हो जाएंगे, वैसे भी ये कहानी हमसे शुरू हुई थी और हमसे ही खत्म होगी। सबका सर झुका दिया हमने, वैसे भी अब हम रहे नहीं रहे किसी को फर्क नहीं पड़ता माँ। नहीं नहीं, हम तुमको कहे थे ना। अरे नहीं, हम बाजार खुद आएंगे दो दिन बाद और अनाज का सौदा हम अपने सामने कराएंगे, ठीक है? ठेकेदार से कह दो हम खुद आ रहे हैं। हाँ काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, शिवू के बस का नहीं है, वो कमजोर पड़ने लगा है। हाँ वो काम दो दिन बाद करेंगे बाजार में। चुकना नहीं, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमारा निशाना कभी नहीं चूकता है, काम हो जाएगा। ये क्या कर रही हो? नाराज मत होइएगा ताऊ जी, बस जाने से पहले आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। जा रही हो? जाना तो पड़ेगा ना ताऊ जी, आज नहीं तो कल। नहीं सुन, तो बस जा रहे हैं। हमारा जाना जरूरी है ताऊ जी, जरूरी है। श्रवणी, 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 श्रवणी। भानु जी क्या हुआ? श्रवणी जा रही है, हमेशा के लिए जा रही है। भानु जी आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं चंद्रा, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, एक इसमें जा रही है श्रवणी। भानु जी अर्थी के बदले अर्थी, हम उसे रोक नहीं पाएंगे, सुन तो पाएगा। भानु जी ने क्या देख लिया है? श्रवणी को जो करना है करे, बस हमारे बच्चों और पति से दूर रहे। भानु जी आपने एक सपना देखा है, सपने सच नहीं होते। सपना है, सपने सच नहीं होते, सपने सच नहीं होते।
बस 48 घंटे और जी ले लड़की। वो भानु जब बाजार जाएगा तभी उसे वही मरवा देंगे, तभी हमारी लाल की मौत का बदला पूरा हो जाएगा। अब दोनों परिवारों की दुश्मनी मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम खुद अपनी मर्जी से इस बदले की बलि पर चढ़ जाएं। अब हमें जाना होगा। कहाँ जा रही हो श्रवणी? मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।